सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? सैफ ने ऋतिक के बारे में क्या खुलासा किया? ऋतिक के बारे में क्या कंट्रोवर्सी फैली थी बॉलीवुड में? क्या ऋतिक इस फिल्म में दिखा पाएंगे दर्शकों को अपना जलवा? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया में काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म विक्रम वेधा की। विक्रम वेधा में हमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन साथ नजर आएंगे। ये फिल्म बेस्ड होगी विक्रम और बेताल की स्टोरीज पर और फिल्म में सैफ अली खान एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, वहीं ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर यानी विलन के रूप में नजर आएंगे। आपको बता दें ये फिल्म बहुत फेमस साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक होने वाली है और फिल्म में काफी समय बाद सैफ और ऋतिक एक साथ दिखाई देंगे। और इसी बीच सैफ अली खान का एक काफी पुराना इंटरव्यू भी काफी वायरल हो रहा है। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन काफी समय से एक साथ नजर नहीं आए हैं, लेकिन पुरानी फिल्मों में वो साथ नजर आ चुके हैं और इससे पहले का सैफ अली खान का एक इंटरव्यू इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उस इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा था कि ऋतिक रोशन इस समय बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं और उनमें वो बात भी है, वो चिंगारी भी है जो एक एक्टर को बेस्ट एक्टर बनाती है। सैफ अली खान ये भी कहते हैं कि उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है बेस्ट एक्टर बनने के लिए, लेकिन वो ऋतिक रोशन के लिए काफी खुश हैं और फ्यूचर में ऋतिक रोशन के साथ काम जरूर करना चाहेंगे। अब आपको बता दें करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस रही है जिनका काफी सारे को-स्टार्स के साथ नाम जुड़ा है अफेयर के मामले में। ऐसा ही कुछ ऋतिक रोशन के साथ भी हुआ था। ऋतिक रोशन और करीना कपूर का नाम साथ जोड़ा गया था। ये बात है 2001 में उनकी फिल्म आई कभी खुशी कभी गम के बाद की और उसके बाद ये बातें काफी फैल रही थी कि ऋतिक रोशन और करीना कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी के बाद दोनों एक्टर्स ने सारी खबरों को झूठा कह दिया था और अपना पल्ला झाड़ लिया था। हाल ही में ऋतिक रोशन से इस बारे में पूछा गया तो वो बहुत जोर से हंसे और ये कहा कि मैं तो मर्द हूँ, मेरे ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जाहिर सी बात है करीना कपूर पर इन बातों का काफी बुरा प्रभाव पड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत खुशनसीब था कि उस वक्त मेरे परिवार ने और मेरी एक्स वाइफ ने मुझ पर पूरा भरोसा रखा और इन सारी खबरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। आपको बता दें विक्रम वेधा का टीजर रिलीज हो चुका है, ऑडियंस काफी पसंद कर रही है टीजर को और फिल्म का जमकर इंतजार कर रही है। फिल्में सार गांधी जयंती के मौके पर रिलीज की जा सकती है। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।